वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है एक और जिसने जिस कस्टमर हमारे साथ फ्रॉड करा है, ये देखिए ये हमें क्या भेज दिया है। ये हुक्के का कोई कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है। ये वो कस्टमर है जिसने हमारे साथ फ्रॉड करा है, आप ये देख सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। लोग हमें कहते हैं कमेंट में कि आप सब लोग चोरी करते हो, वो करते हो, पर आप देख सकते हैं ये पैकेट का सील है, ये अमेज़ोन की तरफ से है। इसमें कहीं पर भी किसी तरह की टेपिंग वगैरह कहीं नहीं हुई है, तो आप देख सकते हैं ये कस्टमर ने फ्रॉड करा है या पिकअप बॉय ने फ्रॉड करा है कि क्या ट्रांसपोर्ट में फ्रॉड हुआ, वो फ्रॉड हुआ है वो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये अच्छी ट्रैकिंग आई डी वगैरह जो भी डली हुई है सब चेक करें, ये अच्छी तरह से सील पैक्ड है, ठीक है। मैं आपके सामने पैकेट खोलता हूँ, तो आप सब जो कमेंट में बोलते हैं कि सेलर भी कोई दूध के दूल्हे नहीं होते इस तरह से जो बोलते हैं, तो कस्टमर भी चोरी करते हैं प्रोडक्ट। देखिए ये ऐसा कोई प्रोडक्ट हम सेल नहीं करते हैं जो हमें मिला है ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो कस्टमर भी फ्रॉड करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पिकअप बॉय भी फ्रॉड कर रहे हैं, मतलब सभी करते हैं फ्रॉड, पर सेलर फ्रॉड नहीं करते। उनका तो काम है बेचना, अगर वो नहीं बेचेंगे, अगर सही प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे तो उन्हें पैसे कहाँ से मिलेंगे। अगर हम गलत प्रोडक्ट भेजते हैं हमसे अब सेलर, तो उनका 2 टाइम लॉस होता है, कस्टमर का वो जब हम पैकेट भेजते हैं जब वहाँ पर वापसी आते हैं तो दोनों साइड से हमें लॉस लगता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि ये तो हमारा काम है, अगर हम इसे गलत तरीके से कुछ भी गलत करेंगे तो वो हमें लॉस मिलेगा, बट जब ये कस्टमर हमारे साथ ऐसा करता है तो हमें 3 टाइम लॉस लगता है। एक तो 2 टाइम लॉस तो लग ही रहा रिटर्न आने का, और 3rd टाइम इसलिए क्योंकि वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें मिला ही नहीं, समझ रहे हैं ना आप। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम फ्रॉड करते हैं, हम गलत भेजते हैं प्रोडक्ट। सेलर का ये रोज़ी रोटी होती है एक तरह से, ठीक है। अगर आपको मेरे चैनल से किसी भी तरह से सपोर्ट मिलता है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।